नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री जोए देव शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर रखने से मनोकामना पूरी होती है। हर जातक की कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति शुभ होती है तो कुछ ग्रहों की स्थिति अशुभ होती है। शुभ ग्रहों के कारण यहाँ व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है तो अशुभ ग्रहों की वजह से परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में रोज रोज नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो उनके लिए ज्योतिषों में कई उपाय भी बताए गए हैं जिनकी सहायता से आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। श्री जोए देव शास्त्री जी बताते हैं कि ज्योतिषों में व्यक्ति की सभी परेशानियों का हल है। कुछ सरल उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं या अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं वह सरल उपाय। शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद आपने अपने सामने चौकी पर एक कलश रखे। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दे। उसके बाद उसमें चावल, दुर्बा और 1 रुपया डाल दे। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उसे कलश के ऊपर रखें। उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित कर दें। इसके बाद उसके निकट चौमुखी दीपक जलाकर उसका कुमकुम और चावल से पूजन करें। उसके बाद 10 मिनट तक लक्ष्मी का ध्यान करें। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं लक्ष्मी जी का मंदिर हो तो वहां गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। लाख कोशिश करने के बावजूद यदि किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो तुलसी के पत्तों के इस उपाय को आजमा सकते हैं, क्योंकि इस महीने में तुलसी के पौधे पर मां लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा होती है। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। लक्ष्मी भगवान नारायण की पत्नी है और नारायण को अत्यंत प्रिय भी है। उनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। शंख, मोती, सीप, कोड़ी समुद्र से प्राप्त होने के कारण नारायण को प्रिय है। अंत लक्ष्मी पूजन में समुद्र से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करें। वास्तु के अनुसार हमेशा अपने घर के मेन गेट को साफ रखें। इसके अलावा गेट पर नेम प्लेट भी जरूर लगाएं। इस उपाय से लक्ष्मी घर में टिकती है। शुक्रवार को 3 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं तथा पीला वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करें। इससे भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शुक्रवार को श्री यंत्र का गाय के दूध के अभिषेक करें और अभिषेक का जल पूरे घर में छिटक दे। वह श्री यंत्र को कमल गट्टे के साथ धन स्थान पर रख दे। इससे धन लाभ होने लगेगा। आप गुरुवार को तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से आपका कारोबार भी बढ़ेगा और नौकरी में भी प्रमोशन मिल जाएगा। और अगर ये उपाय करने के बाद भी आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है और अगर आप ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। श्री जोए देव शास्त्री जी लंबे समय से ज्योतिषी का काम करते आ रहे हैं और इनके द्वारा किए गए कार्य की लोग हमेशा प्रशंसा करते हैं। श्री जोए देव शास्त्री जी को आप 24 घंटे में कभी भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।